नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटोस्की के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों टूरिज्म को इंक्रीज करने के लिए बीएमसी के द्वारा बायकुला जू की तरह कई सारी और फैसिलिटीज मुंबई में अभी बनाई जानी है। और इसी सीरीज में उन्होंने एक बर्ड पार्क को लेकर डेवलपमेंट प्लान अनवेल कर दिया है। तो उसे बर्ड पार्क ओवरऑल 17,150 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला हुआ, जो कि स्पेसिफिकली मुंबई में बनकर तैयार होगा। अलग अलग जोन में इसको बांटा गया है, जिसमें इंटरप्रिटेशन सेंटर, किड जोन, ऑस्ट्रेलिया जोन और अमेरिका जोन जैसे कई सारे जोन यहाँ पर बनाए जाएंगे। बर्ड एवियरी 10,000 स्क्वायर मीटर की एरिया कवर करेगी, जबकि रिमेनिंग एरिया में एक बास्केटबॉल कोर्ट, जॉगिंग ट्रैक, वॉलीबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, ओपन जिम, गार्डन्स, प्ले जोन, ऐसी कई सारी और चीज़ें बनाई जानी हैं। ऑलमोस्ट 22 अलग अलग टाइप के बर्ड स्पीशीज यहाँ पर अवेलेबल होंगे। और अभी जो प्लान बीएमसी ने बनाया है, इसको सबसे पहले म्यूनिसिपल कमिश्नर के द्वारा रिव्यू किया जाएगा, और अगर उनको सही लगता है तो आगे फिर इसको अप्रूवल के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी के पास में भेजा जाएगा, और अगर वहाँ से अप्रूवल आती है तब ये काम आगे बढ़ पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट अडानी ग्रुप से है, जहाँ पर दोस्तों अडानी ग्रुप ने उनके रेन्यूबल एनर्जी बिजनेस का एक्सपेंशन अनाउंस कर दिया है। और उनका कहना है कि वो रेन्यूबल एनर्जी बिजनेस के ऊपर 2.3 ट्रिलियन रुपीज की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अगले 6 साल के अंदर अंदर। दोस्तों 2030 तक सारी सारी इन्वेस्टमेंट की जानी है, जिसमें से 1.5 ट्रिलियन रुपीज सोलर एनर्जी और विंड पावर के ऊपर होगी, और वो स्पेसिफिकली कच्छ में जो खावड़ा रेन्यूबल एनर्जी पार्क बन रहा है वहां पर, जहां पर कई सारे गीगावाट की रेन्यूबल एनर्जी इनके द्वारा डेवलप की जाएगी। 50,000 करोड़ रुपीज इसी तरह के सिमिलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये खर्च करेंगे, जिसके थ्रू देश के अलग अलग एरियाज में कई सारे नए सोलर प्लांट्स बनाए जाएंगे, जबकि कई सारे एग्जिस्टिंग प्लांट्स को ये और बड़ा करेंगे। रिमेनिंग 30,000 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट सोलर सेल और विंड टर्बाइन्स की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर होगी, जहां पर मुंद्रा में इनका जो प्लांट है वहीं पर ये इन्वेस्टमेंट होती दिखाई देगी। 4 गीगावाट की भी उसकी कैपेसिटी है, 2026-27 तक उसको बढ़ाकर 10 गीगावाट तक कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों बेड गुड़गांव से है, जहां पर दोस्तों ट्रैफिक फ्लो को और स्मूथ बनाने के लिए गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक और सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्लान किया गया है, और अभी इसके लिए उन्होंने एक कंसल्टेंट को भी हायर किया है। दोस्तों एज ऑफ नाउ गुरुग्राम का सिर्फ गोल्फ कोर्स रोड ही गुरुग्राम का इकलौता सिग्नल फ्री कॉरिडोर है। सिमिलरली इसी तरह का 10 किलोमीटर का एक और रोड अभी उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, इफ्को चौक से सदन पेरिफेरल रोड तक, जिसको भी एक ट्रैफिक फ्री कॉरिडोर बनाया जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल्स को हटाने के साथ साथ एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स का भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया जाएगा, ताकि व्हीकुलर मूवमेंट काफी स्मूथ हो पाए। और जीएमडी के अकॉर्डिंग अभी ये मैंडेटरी भी है, क्योंकि इस 10 किलोमीटर के सेक्शन पर ही 7 के आसपास ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, 2 मेट्रो स्टेशन हैं और कई सारे इंटरसेक्शंस हैं, जिसके चलते इस 10 किलोमीटर के सेक्शन को कवर करने के लिए 30 से 40 मिनट तक का समय लग जाता है। अभी जो कंसल्टेंट हायर किया गया है वो अगले 1 महीने के अंदर अंदर इसकी डीपीआर प्रिपेयर कर देगा, और उसके बाद काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगले दोस्तों अपडेट कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट से है, जहाँ पर दोस्तों कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट के अंतर्गत सितवे पोर्ट को ऑपरेट करने के लिए भारत को अप्रूवल मिल गई है। और ओवरऑल कह सकते हैं कि ये हमारी दूसरी ओवरसीज पोर्ट है जिसको अब भारत ऑपरेट करेगा। दोस्तों ईरान की चाबहार पोर्ट पहली पोर्ट थी जिसको इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था, अभी ये सितवे पोर्ट को भी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के द्वारा ही ऑपरेट किया जाएगा। कलादान रिवर के ऊपर ये लोकेटेड है, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि कोलकाता पोर्ट भी डायरेक्टली इसी के थ्रू कनेक्टेड होगी, और हमारे लिए ये एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर का अल्टरनेटिव होगा, क्योंकि जो कार्गो हमें नॉर्थ ईस्ट में पहुँचाना है वो कोलकाता पोर्ट के थ्रू पहले सितवे पोर्ट पर पहुँचाया जाएगा, और फिर कलादान रिवर वाटरवे के थ्रू उसको पलटवा तक ले जाया जाएगा, और फिर वहां से बाय रोड ये हमारे देश की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में एंटर कर जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों अडानी ग्रुप ने मथुरा डिस्ट्रिक्ट के बरसाना बायोगैस प्लांट का पहला फेज अभी ओपन कर दिया है, और इसके चलते अडानी ग्रुप ने अम्प्रेस बायोगैस प्रोडक्शन में भी डेब्यू कर दिया है। तो उसे पहली बार आएगी अडानी ग्रुप के द्वारा सीबीजी के ऊपर काम स्टार्ट किया गया है, और ये इनका पहला सीबीजी प्लांट ही काफी बड़े स्केल का प्लांट होगा, जिसकी टोटल प्रोसेसिंग कैपेसिटी 600 टन पर डे की होगी, 42 टन पर डे कंप्रेस्ड बायोगैस, जबकि 217 टन पर डे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इसके थ्रू प्रोड्यूस हो पाएगा जब एक बार ये पूरा बन जाता है। टोटल 200 करोड़ रुपीस यहाँ पर इन्वेस्ट किए जाने हैं, और 3 फेजेस में बनना है। अभी जो पहला फेज ओपन किया गया है वहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी 225 टन पर डे की है, एग्रीकल्चरल वेस्ट और कैटल डंग को सबसे पहले यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाएगा, और 10 टन पर डे सीबीजी यहाँ पर सबसे पहले प्रोड्यूस होती दिखाई देगी। अगले 2 से 3 सालों के अंदर अंदर इनका पूरा का पूरा प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। अगले दोस्तों अपडेट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से है, जहाँ पर दोस्तों कोचिन शिपयार्ड और यूएस नेवी के बीच में शिप रिपेयर को लेकर अभी एक एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है, और अब आप कह सकते हैं कि इसके थ्रू यूएस नेवी के वेजल्स भारत में रिपेयर हो पाएंगे। दोस्तों वैसे तो यूएस नेवी और ब्रिटिश नेवी के शिप्स एलएनटी के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में रिपेयर और मेंटेन किए जा रहे थे, लेकिन उसको लेकर कोई प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं था, वो बस जब इन नेवीज को जरूरत पड़ती थी तभी आते थे।
और वैसे भी एलएलटी एक प्राइवेट फर्म है तो ये काम कर भी सकती है, पर क्योंकि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एक गवर्नमेंट और शिपयार्ड है तो इस एग्रीमेंट का सीधा इम्पैक्ट भारत और यूएस के डिफेंस रिलेशंस के ऊपर देखने को मिल सकता है और आप कह सकते हैं कि ये हमारी शिप बिल्डिंग के लिए काफ़ी क्रूशियल एग्रीमेंट भी हो सकता है। यूएस नेवी के वो वेसल्स जो कि हमारे इंडियन ओशन में ऑपरेट हो रहे हैं वो यहाँ पर अब रिपेयरिंग सर्विस आगे चलकर अवेल कर पाएंगे। अगली दोस्त अपडेट बेंगलोर से है, जहाँ पर दोस्तों रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी केरेड ने बेंगलोर सबर्बन रेल कॉरिडोर को ओवर एक्सटेंड करने का प्लान भी सामने रखा है और इसके थ्रू वो टारगेट कर रहे हैं कि बेंगलोर सबर्बन रेलवे को आगे बनने वाले सर्कुलर रेल नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया जाए। दोस्तों बेंगलोर सबर्बन रेल लाइन के अंतर्गत टोटल 4 कॉरिडोर बनाए जाने हैं जिनकी कुल मिलाकर लेंथ 148 किलोमीटर के आसपास है और इसको बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी केरेड को दी गई है। उनका कहना है कि अगर इस सबर्बन रेल को बेंगलोर के अपकमिंग सर्कुलर रेल नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया जाता है तो बेंगलोर के सबर्बन एरियाज के अलावा जो बेंगलोर के अगल बगल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके कम्यूटर्स को भी इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। 120 किलोमीटर का लिंक नेटवर्क हो सकता है जिसके अंतर्गत बेंगलोर सबर्बन रेल को कई सारी अलग अलग लोकेशन से एक्सटेंड करके सर्कुलर रेल नेटवर्क से कनेक्ट किया जाएगा। रेफरेंस के लिए अगर आपको मैं बताऊं तो कॉरिडोर 2 को विदावांदा और मरीकुप्पे तक, कॉरिडोर 3 को एक साइड से मलूर तक जबकि दूसरी साइड से हिजाला तक, कॉरिडोर 4 को डोडाबल्लापुर तक एक्सटेंड करने की बात यहां पर की जा रही है। हालांकि अभी क्योंकि ये प्रपोजल ही है जो उन्होंने अभी सामने रखा है तो अभी इसको अथॉरिटीज़ के सामने प्रेजेंट किया जाएगा और अगर उनको ये सही लगता है तो हो सकता है कि इसको अप्रूवल मिले और आगे चलकर इसके ऊपर काम भी हो। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से है, जहाँ पर दोस्तों भारत की बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का भी सीधा इम्पैक्ट हमारे इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के ऊपर देखने को मिलने लगा है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के पहले 10 महीनों के अंदर अंदर देश में जो फुली असेंबल्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के इम्पोर्ट्स थे उनमें ऑलमोस्ट 40% का डिक्लाइन देखने को मिला है। दोस्तों जब से हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर पहले स्कीम लॉन्च की गई थी तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन को लेकर बहुत सारे लोगों का नेगेटिव व्यू भी था क्योंकि उनका मानना था कि इस पीएलए स्कीम के अंतर्गत हम इंसेंटिव तो दे रहे हैं लेकिन कंपनीज के द्वारा सिर्फ असेंबलिंग का काम ही किया जा रहा है और लोकल वैल्यू एडिशन भी नहीं हो रहा है। वैसे उन लोगों की बात भी ठीक थी लेकिन उनके लिए ये जानना भी जरूरी है कि एक इंडस्ट्री के लिए इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए कई सालों का समय लग जाता है और अभी इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर जो इम्पोर्ट डाउन हुए हैं ये इसी का ही एक टेस्टामेंट है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। फुली असेंबल्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के इम्पोर्ट में जो 40% का डिक्लाइन देखने को मिला है वो तो मिला ही मिला है। इसके अलावा सेम टाइम में प्लास्टिक पार्ट्स जैसे कि बैक कवर, जीएसएम एंटीना, कैमरा लेंसेस, इनके इम्पोर्ट्स भी 26.5% डाउन हुए हैं। मैकेनिकल पार्ट्स में भी 1.5% का डिक्लाइन देखने को मिला है जबकि चार्जर अडैप्टर्स में भी ऑलमोस्ट 72% का डिक्लाइन देखने को मिला है। धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लोकल वैल्यूएशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही इम्पोर्ट्स और गिरते जाएंगे और एक्सपोर्ट्स बढ़ते जाएंगे, जैसा कि अभी 2023 में ही रिकॉर्ड $20 बिलियन के हमने एक्सपोर्ट कर दिए हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आप अपनी तरफ के अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।